अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हथौड़े और पंख दोनों को इक्वल हाइट से इक्वल टाइम पे ड्रॉप किया जाए तो सरफेस तक पहले कौन पहुंचेगा, आप आसानी से बता पाएंगे कि हथौड़ा पहले पहुंचेगा। लेकिन फिजिक्स ये कहता है कि दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका रीजन है हवा। हवा कंपैरेटिवली पंख पे ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाती है, इसी ज्यादा फोर्स की वजह से पंख सरफेस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हवा ना हो तब क्या दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे? तो इसका आंसर है हाँ। एक एक्सपेरिमेंट को किया गया था मून पे, क्योंकि वहां हवा नहीं होती है। जब एक हथौड़ा और पंख दोनों को इक्वल हाइट से ड्रॉप किया गया तो ये पाया गया कि दोनों सरफेस तक एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है हैमर फीडर एक्सपेरिमेंट।